मनारा चोपड़ा के पीठ पीछे भी आयशा खान मनारा की तारीफ कर रही है कि भाई बाहर अगर दिखाई देगा तो लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो दिल की बहुत अच्छी है, मनारा ही इतनी ज़्यादा पोकिंग करती है, मनारा ही विलन है, मनारा इसके साथ बुरा करती है। ये सब चीज़ें देख के तो गई है कि आखिरकार मनारा और मुनावर को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, मनारा को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब खुद तो मनारा के सामने बोल नहीं पाती है और अपने आपको सेटिस्फाइड करने के लिए और दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये साबित करना चाहती है कि मैं ना उसको बोलती नहीं हूं, अगर उसकी जगह पर मैं भी होती ना तो मैं भी इतना ही बुरा फील करती और किसी को भी इतना ही बुरा फील होता। अभिषेक, तूने जो बोला था ना कल मनारा को, वो कहीं ना कहीं साउंड जो है वो गलत कर ही रहा था। और तो अभिषेक बोलता है मैं हर्ट हूँ, ये है वो है, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, सॉरी मांगो तो भी उसका अलग मतलब निकालते हैं। तो बोलती है कि हाँ यार, मैंने भी मनारा से 100 बार सॉरी मांगा, उसने देना नहीं देना वो उसकी मर्जी है, ठीक है, पर मैंने तो मांगी है। तो अभी अभिषेक बोलता है कि अगर मैं उस जगह पर होता कि औरा और मेरे में से मनारा को कोई किसी को चुनना पड़ता, तो वो अगर किसी और को भी चुन लेती तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता। तो बोलती है यार वो मनारा है, तुझे पता है ना वो हर एक चीज़ पे रिएक्ट करती है। तो बोलता हाँ वो हर एक चीज़ पे रिएक्ट करती है, जब उसी ने मुझे प्रायोरिटी चौथे पाँचवें नंबर पर रखा है तो मैं आखिरकार अब उसको क्यों नहीं चौथे पाँचवें नंबर पर रखूँगा। मैं आखिरकार मेरे हिसाब से मैंने डिसीजन लिया है, इतना भी बुरा मारने की उसको ज़रूरत नहीं थी कि इतना ज़्यादा बुरा मार लिया, इतना ज़्यादा हर्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा आयशा जो है वहाँ पर मीठी बन रही है कि भाई बुरा तो लगेगा ही ना। तो अभिषेक बोल रहा है कि भाई मैं दोस्त मानता ही नहीं हूँ, तेरे आने से कुछ दिन पहले ही एक दो दिन से ही मेरी अच्छे से बात होने लगी है, अदरवाइज मैं उससे बात भी नहीं करता था, उसको मैं दोस्त ही नहीं मानता। ये चीज़ जो है अभिषेक कुमार बोल रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।